और उस ढांचे को अगर हम नहीं समझेंगे तो उस ढांचे के अंदर अगर चेंज होगा तो हम भी चेंज हो जाएंगे। लोग ही नहीं होंगे तो कॉरपोरेट ऑफिसेस जो कर्जे पर बनाए गए हैं, बैंकों से कर्जे लेकर, उनमें कौन आके रहेगा? अब वो एक्सपर्टीज ही नहीं खा रहा, उनकी प्रोडक्टिविटी हर महीने खा रहा है। तो उसमें SBI भी डूबेगा, पंजाब नेशनल बैंक भी डूबेगा, उसमें HDFC भी डूबेगा, ICICI बैंक भी डूबेगा। और AI जिस तरीके से जॉब्स को किल करेगा, उससे जो बैंक्स किल होंगे, दुनिया एक बहुत बड़े डिप्रेशन में जाएगी। इससे 90% कंट्री सॉवरन डेट क्राइसिस के शिकार हो जाएंगे। तो लैंड ऑफ लास्ट रिसॉर्ट के ऊपर डिपेंडेंट जितने भी लोग, जितने भी कंपनियां, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे के सारे बर्बाद हो जाएंगे। जैसे अभी चैट जीपीटी का जो 4 है वो लाइक 2% ही है जो वो अचीव करना चाहता है. लाइक अभी इतना कैपेबल नहीं है, बट जो जब वो इतना कैपेबल हो जाएगा, 2-3 साल या 4-5 साल जब भी होगा, उस टाइम पे वो ऐसा सिनेरियो जो आप बता रहे हो वो पूरा वैसा सिनेरियो हो जाएगा कि वी कांट कम्पीट विथ चैट जीपीटी. अभी तो वी कैन कम्पीट विथ चैट जीपीटी कई सारे एरियाज में. इवन आप जनरली रिसर्च भी करते हो तो चैट जीपीटी पे पूरा रिलाई नहीं कर सकते. जैसे मैं भी क्रिप्टो रिसर्च करने की कोशिश करता हूँ, तो ये लोग अभी क्या होता है कि डेटा सेट यूज करते हैं, जो वेबसाइट्स यूज करते हैं, तो अभी इंटरनेट में ये भी दिक्कत है कि 1% या 2% कंटेंट ही जेनुअन है, राइट? फेक डेटा भी काफी मिल जाता है, डेटा इन 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 इनएक्यूरेसी काफी ज्यादा इश्यूज वगैरह है. तो मेरे हिसाब से जब वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, आई थिंक वो सॉर्ट आउट ये लोग करेंगे टाइम के साथ, तो तब तो इट कुड बी लाइक सुपर पावर, तब तो इस पर रिलाई कर सकते हैं. बट एट दिस स्टेज जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे को लगता है कि कुछ लाइक कुछ यूज केस पे तो आप रिलाई कर सकते हो, बट स्पेसिफिक रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मुश्किल है. जैसे क्रिप्टो का अगर एग्जांपल, मुझे किसी क्रिप्टो का फंडामेंटल के बारे में पता लगाना है, तो उसमें मैंने बार्ड भी यूज किया था, चैट जीपीटी भी यूज किया था, दोनों में ही मुझे काफी ज्यादा डेटा इनएक्यूरेसी के इश्यू आई. बट वो उनके साइड से आता, रिसोर्स जो सोर्स वो यूज करते हैं वहां पे ही वो इश्यू होता है, इसके लिए वो सेम वहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है अभी के लिए. देखो हितेश, इसको हम ना इस तरह से समझें कि ये जो AI सॉफ्टवेयर्स बिल्ड हो रहे हैं, पहले तो ये कैसे बिल्ड हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी एकमात्र प्लेयर है अब गेम में, या बार्ड ही प्लेयर है। असल में अगर आप पिछले 6 महीने देखें और अगले 6 महीने को साथ में रखें, तो क्या हो रहा है उसको एक बार समझ लें। देखिए, चैट जीपीटी पहले बिंज में आया, माइक्रोसॉफ्ट के सर्च के अंदर आया। उसके बाद वो अब पूरे के पूरे Office 365 में आ रहा है। यानी कि जो आज की तरह तारीख में आप पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनाते हैं घंटों लगा के, कल को वो कुछ मिनटों सेकंडों के अंदर वो बना रहे होंगे। जैसे एडोबी ने फायरफ्लाई नाम का एक नया टूल अनेबल कर दिया, जो बेसिकली सेकंड्स के अंदर एक नई इमेज क्रिएट कर सकता है। ठीक है, उसी तरह से बार्ड अभी आया है, और कुछ महीनों के अंदर जब आपको पता चलेगा कि ये तो जीमेल में भी आ गया, गूगल मीट में भी आ गया, गूगल एड्स में भी आ गया, तो आप जो काम आज की तारीख में, फॉर एग्जाम्पल, आज आप एक CFO हैं एक कंपनी के अंदर, चैट जीपीटी आपको एक ऑप्शन देता है कि आप अपनी कंपनी का प्राइवेट डाटा उसको फीड कर सकते हैं, जो सिर्फ आपके कंट्रोल में रहेगा। विच मीन्स, अगर आपने, मान लीजिए, नीचे 10 CAs रखे हुए हैं या फाइनेंस ऑफिसर्स रखे हुए हैं, और ये सारा का सारा काम जो CFO के अंडर फाइनेंस ऑफिसर्स करते हैं, अब ये चैट जीपीटी का एक सॉफ्टवेयर कर देगा। ठीक है, हाँ, इसमें फिर एक्चुअली ये चीज है कि सोर्स अगर आपने डिफाइन किया तो रिजल्ट बेटर प्रिसाइज आता है, ये चीज मैंने देखी है. अब क्या हो रहा है कि ये जो तीन हिस्से हैं, ट्रेनिंग डेटा सेट, कंप्यूटेशनल इंजन और AI, इन तीनों हिस्सों में बेहतरी हो रही है। तो सबसे पहला जो कमजोर एरिया है AI का, वो है ट्रेनिंग डेटा सेट। अगर ट्रेनिंग डेटा सेट जो है वो वेग है, वो कॉपीज हैं, कॉपी ऑफ कॉपीज हैं, तो उसके अंदर आपको अकाउंटेबिलिटी नहीं मिलेगी। इसीलिए चैट जीपीटी ने, जैसे ट्रेवल के लिए उन्होंने
आई थिंक एक्सपीडिया के साथ या किसी ऐसे ही बड़े प्लेयर के साथ टाई अप किया जिनके पास ऑथेंटिक डेटा है, इंडस्ट्री का डेटा है. ऐसे ही वो हर अलग अलग एरिया के अंदर जिनके पास एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन है, वो एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन को एआई के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. और इस समय सिर्फ चैट जीपीटी या बार्ड ही नहीं है, स्टेबल डिफ्यूजन जैसे प्लेयर भी आ गए हैं जो ओपन सोर्स तरीके से ट्रेनिंग डेटा सेट के जरिए ट्रेन कर रहे हैं. और वो रेगुलेटरी मेथड को पहले ही सोच के कि कल को अगर रेगुलेशन आती भी है तो हम अपना डेटा दिखा सकते हैं. यानी कि अब क्या हो रहा है कि अगर आज मान लीजिए चैट जीपीटी और बार्ड ने मिलके 20% लोगों की एक्सपर्टीज को बेकार किया है, तो चैट जीपीटी 5 तक पहुंचते पहुंचते 50% हो जाएगा. चैट जीपीटी 6, 7, 8, 9 तक पहुंचते पहुंचते 70, 80, 90 इस तरह से बढ़ता जाएगा. तो बेसिकली जिस तेजी से, अब जैसे मैं उदाहरण के तौर पर देखिए कि कितनी तेजी से इंप्रूव हो सकता है. अल्फा गो जो जिस सॉफ्टवेयर ने दुनिया के सबसे बड़े गो प्लेयर को हराया था, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के बाद नेक्स्ट सॉफ्टवेयर ट्रेन करने में सिर्फ 3 घंटे लगे थे जिसने अल्फा गो को भी हराया. राइट. Even ChatGPT 3 और 4 में भी काफी कम टाइम लगा, right? Within 6 months उन्होंने लॉन्च कर दिया. Yes. तो ये एक्सपोनेंशियल कैपेबिलिटीज बहुत कम टाइम में पैदा हो रही हैं, और ये कितनी तेजी से किस सेक्टर को हिट करेंगी हमें अंदाजा नहीं है. राइट सर. तो फिर इस पे अगर वैसे बात करते हैं तो अभी जैसे जितने भी एआई के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, एआई के जो ये टूल्स बन रहे हैं, वो मेनली यूएस की कंपनीज बना रही अभी के लिए. जैसे माइक्रोसॉफ्ट की लीड है उस पर, गूगल इज वन ऑफ अदर प्लेयर. और यहाँ पे वो चीज़ भी है कि लाइक जैसे अगर वैसे अपन बात करते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं या फिर पॉलिटिक्स जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की बात करते हैं, सो यहाँ पे ये चीज़ तो एस्टेब्लिश हो चुकी है कि जिसके पास AI का कंट्रोल रहेगा, जहाँ पे जिस कंट्री की कंपनी AI बनाएगी वो कहीं ना कहीं पे अपना एक यू नो कंट्रोल कर पाएगी एक, बिकॉज अल्टीमेटली जब लोग AI पे डिपेंड रहेगी, AI की डेटा पे ही ज्यादा बिलीव करेगी फ्यूचर में, सो वहाँ पे खुद का मैसेज डिलीवर करना भी ज्यादा ईजी रहेगा. लाइक यूएस एक नैरेटिव सेट कर सकता है दूसरी कंट्री में भी. एग्जाम्पल के लिए अगर यूएस का आगे जाके चैट जीपीटी या फिर बार्ड काफी पॉपुलर होता है, जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए मिड जर्नी में अगर आप ये सर्च करते हो कि आपको चाइनीज प्रेसिडेंट का मॉर्फिंग करके दो, वो अलाउ नहीं करता, लाइक कुछ डेटा सेट वो अलाउ नहीं करता है. सिमिलरली चैट जीपीटी में आप यूएस प्रेसिडेंट निक्सन के बारे में कुछ पूछते हो तो वो आपको आंसर नहीं देगा बराबर, राइट. मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने वैसा नैरेटिव सेट किया है कि उनके हिसाब से चीजें चल रही है. सो यहाँ पे सर आपको इसका क्या रोल लगता है एआई का, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं या आने वाले जो टाइम पे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में बात करते हैं, तो कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है? और एट द सेम टाइम मैं एक और चीज यहाँ पे बीच में डालना चाहूंगा, जैसे ताइवान के अपन बात करते हैं और ताइवान का इसलिए बात करना चाहूंगा कि ताइवान सबसे बड़ा जो चिप का जो प्रोडक्शन होता है वो ताइवान में होता है. और एआई के अंदर जीपीयू और एआई प्रोसेसिंग और चिप का यूज काफी ज्यादा होता है, क्योंकि जीपीयू प्रोसेसिंग काफी ज्यादा होती है, इसलिए एनवीडिया जो कंपनी रिसेंटली काफी ज्यादा उसका स्टॉक भी राइज हुआ, उन्होंने एक नया डिवाइस और नया काइंड ऑफ चिप मेकर भी रिसेंटली लॉन्च किया है, उसका भी काफी चर्चा हो रही है. सो यहाँ पे ताइवान को भी आप कैसे देखते हो एट द सेम टाइम, ताइवान इज वेरी स्ट्रेटजिकल कंट्री फॉर इवन फॉर यूएस फॉर चाइना, बिकॉज 58% के आसपास जो चिप की जो प्रोडक्शन उनके पास ही है, उनके पास जो चिप है वो भी काफी फास्टेस्ट स्पीड वाली चिप है. सो ये सारा अगर हम बात करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, तो यू नो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कितना किस टाइप से एआई का रोल होगा और ताइवान का क्या पोजीशन होगा फ्यूचर में, लाइक ताइवान कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है इस पूरे फ्यूचर सिनेरियो में? हितेश, ये जो तुम सवाल पूछ रहे हो, पहली बात तो ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है. मैं इस सवाल को लेकर काफी देर से सोच रहा हूँ, इसीलिए मैंने इस बातचीत को कुछ हिस्सों में बांटा है. और इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं अपने आप को एक सवाल पहले पूछना चाहता हूँ. और वो सवाल ये है कि जो हम एआई का इतना बड़ा एक्सप्लोजन देख रहे हैं, इसके इम्पैक्ट क्या होंगे? और वो इम्पैक्ट तो फर्स्ट ऑर्डर इम्पैक्ट
तो हमें नजर आ ही रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट क्या होते होंगे। मैं इसको एक बार थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट क्या होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे 2007 में जब पहली बार एप्पल ने आईफोन बनाया तो उसका फर्स्ट ऑर्डर इम्पैक्ट ये था कि एप्पल ने एक रेवोल्यूशन कर दी हैंड हेल्ड स्मार्टफोन में, जो चाहे छोटा सा था बट उस समय के हिसाब से वो दुनिया का बेहतरीन स्मार्टफोन था। तो इसको देखते हुए एक सेकेंड ऑर्डर इंपैक्ट आया जो गूगल ने एंड्रॉयड फ्री मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया और सभी सस्ते स्मार्टफोन्स एप्पल की कॉपी करके पैदा हो गए, राइट। तो ये था सेकेंड ऑर्डर चेंज। अब थर्ड ऑर्डर चेंज उसके कारण ये आया कि ऐप दुनिया के अंदर स्मार्टफोन एप्लीकेशंस का एक बहुत बड़ा बाजार पैदा हुआ जिसके लीडर गूगल आई स्टोर और एप्पल आई स्टोर बन गए। तो फर्स्ट ऑर्डर था एप्पल का आईफोन, सेकंड ऑर्डर था गूगल का एंड्रॉयड फ्री कर देना, और तीसरा था दुनिया के अंदर एप्पल आई स्टोर और मोबाइल आई एंड्रॉयड आई स्टोर वो सब हो गया, एप स्टोर प्ले स्टोर, हाँ एप स्टोर प्ले स्टोर। तो बेसिकली अगर आप इसको ध्यान से देखें, आज दुनिया के अंदर अगर 5 बिलियन लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो ये इन फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, तीन थर्ड ऑर्डर इंपैक्ट के अंदर आ जाता है, क्लियर। इसी तरह से मैं अब एआई की बात करना चाहूंगा कि एआई का फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर इंपैक्ट क्या होगा। फर्स्ट ऑर्डर इंपैक्ट तो बहुत स्पष्ट है कि जो भी कंपनी एआई लॉन्च करेगी या एआई एनेबल्ड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी उसकी एडॉप्शन बहुत तेजी से होगी, उसके प्रॉफिट्स बहुत तेजी से बढ़ेंगे, उसकी वैल्यूएशन बहुत तेजी से बढ़ेगी। जैसे एनवीडिया का एग्जांपल हो गया, जैसे एनवीडिया के साथ हो रहा है, जैसे ओपन एआई के साथ हो रहा है। सोचिए कि पहला उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च अभी किया था और अभी रेवेन्यू आना नहीं शुरू हुआ था, तो सैम अल्टमैन ने ओपन एआई की कीमत $29 बिलियन लगा दी। और अगर आज की तारीख में जब वो रेवेन्यू पॉजिटिव हो गए हैं तो उसकी कोई वैल्यू 100 बिलियन भी लगा देना तो बहुत कम है, राइट। वो 500 बिलियन भी लगा दे तो भी कम है। तो ये तो हो गया फर्स्ट ऑर्डर इंपैक्ट। बट एआई और बाकी टेक्नोलॉजी से एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि हम एआई के सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर इंपैक्ट के बारे में अभी बिल्कुल भी नहीं सोच पा रहे हैं। वो सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर इंपैक्ट क्या होगा इस पर मैं चिंतन मनन करना चाहता हूं और फिर मैं आपके ताइवान वाले सवाल के ऊपर आऊंगा। ओके, बट अभी आप बात से एग्री करते हो जियोपॉलिटिकली काफी ज्यादा एक बड़ा एक टूल हो सकता है एआई कंट्रीज के लिए। मैं इससे बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं कर रहा हूं। अच्छा, पर वहां तक हम पहुंचेंगे कैसे, राइट, वो एक बार हम उस मेथड को डिस्कस कर लें, राइट। ओके, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उस दुनिया का भी तो एक ढांचा है, राइट। और उस ढांचे को अगर हम नहीं समझेंगे तो उस ढांचे के अंदर अगर चेंज होगा तो हम भी चेंज हो जाएंगे, सही है। तो वो जब ढांचा और उसका चेंज हमें समझ में आ जाएगा तो एआई का चेंज भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये ध्यान से समझें कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, मैं उस दुनिया को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की दुनिया कहता हूं। कि उसके अंदर लोग ये सोच के बैठे होते हैं कि एक ताकत हमारे ऊपर बैठी हुई है जो हर बुरे वक्त में हमें पैसा इंतजाम करके देगी, जो ये डिसाइड करेगी कि पैसा क्या है, जो ये डिसाइड करेगी कितना पैसा प्रिंट करना है, जो ये डिसाइड करेगी इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं, जो ये सारी चीजें डिसाइड करेगी। और इस दुनिया के अंदर सरकारों ने कर्जे लिए हुए हैं, कॉरपोरेशंस ने कर्जे लिए हुए हैं और इंडिविजुअल्स ने कर्जे लिए हुए हैं। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की दुनिया के अंदर हर इंसान कर्जे के ऊपर जी रहा होता है।
क्लियर? जैसे अमेरिका के अंदर सरकार का कर्जा उनके टोटल जीडीपी का 130% है, जोर बढ़ने वाला है, और प्राइवेट सेक्टर और इंडिविजुअल्स का हाउसहोल्ड सेक्टर अगर आप डेट मिला लें तो ये 350% से भी ज्यादा है। यूरोप के अंदर ये 400% से भी ज्यादा है, और अगर आप इंडिया की बात करें या चाइना की बात करें तो चाइना में भी लगभग ये लगभग चाइना और इंडिया में भी लगभग 150 से 200% ज्यादा है जीडीपी का, टोटल हाउसहोल्ड कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट डेट। इंडिया का सिर्फ जो गवर्नमेंट डेट है वो जीडीपी का 80-82% है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को मिला के। बट चाइना का तो बहुत ज्यादा है, चाइना का तो 200% के ऊपर, 220% का। ऑफ कोर्स सबका है। तो बेसिकली एक लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट के अंदर जब हर बंदा कर्जा कर्जे में होता है तो सिस्टम कैसे चलता है? सिस्टम चलता है इस बात पर, इस विश्वास पर कि मैं उस कर्जे के ऊपर जो मेरी किस्त बनती है वो मैं पे करूंगा। जैसे मेरा मान लीजिए 50 लाख का मैंने घर का कर्जा लिया हुआ है और मुझे अगले 20 साल वो कर्जा देना है, तो मैं कर्जा हर महीने की 60,000 रुपए की किस्त के हिसाब से देता जाऊंगा। वैसे ही कॉर्पोरेशंस किस्तें देंगे, वैसे ही सरकारें किस्तें देती हैं। ओके, अब मान लीजिए मैं काम करता हूं इंफोसिस में, इंफोसिस में पिछले 5 साल से काम कर रहा हूं, मेरी तनख्वाह है 1.5 लाख रुपया, और चैट जीपीटी जैसा कोई सॉफ्टवेयर आता है और मेरी नौकरी खा जाता है। जो मेरी नौकरी खाएगा तो 1.5 लाख जो मैं लेके आता हूं वो तो गया। तो जब मैं 1.5 लाख मेरे पास है ही नहीं महीने का तो मैं किस्त कैसे पे करूंगा? राइट, ओके। अब ना केवल मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे जैसे हजारों लाखों इंजीनियर्स के साथ, आईटी के इंजीनियर्स के साथ ऐसा होगा। तो उनके घर भी जो है मॉर्टगेज के ऊपर हैं, उनके लोन भी एनपीए में तब्दील हो जाएंगे। जो कंपनियां तेजी से बदल नहीं पाएंगी या जिनके आगे चैट जीपीटी जैसी, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां आ जाएंगी, जैसे चेग है, पीछे उनका स्टॉक मार्केट में 60% क्रैश हो गया, राइट, ठीक है। ऐसी कंपनियां जो इस नई रफ्तार से चेंज नहीं कर पाएंगी वो भी कलैप्स करेंगी, जिन्होंने बैंकों से कर्जे लिए हुए हैं। और जो कॉर्पोरेट ऑफिसेस में जो लोग काम करते थे, जब लोग ही नहीं होंगे तो कॉर्पोरेट ऑफिसेस जो कर्जे पर बनाए गए हैं बैंकों से कर्जे लेकर, उनमें कौन आके रहेगा? तो जब आप ध्यान से देखें, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, प्रोग्रामर्स, डिजिटल मार्केटर्स, टीचर्स, यूनिवर्सिटीज करते करते आप देखेंगे कि आप पाएंगे कि हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों की एक्सपर्टीज एआई खा जाएगा। अब वो एक्सपर्टीज ही नहीं खा रहा, उनकी प्रोडक्टिविटी हर महीने खा रहा है। तो जब प्रोडक्टिविटी खाएगा तो नेचुरली वो बंदा बेरोजगार हो जाएगा, तो उसका कर्जा कौन पे करेगा? जब सभी लोग कर्जा नहीं पे कर रहे हैं तो आप सोचिए, जैसे हिंदुस्तान की उदाहरण देता हूं आपको, हिंदुस्तान के अंदर बेस मनी है 32 ट्रिलियन, 32 लाख करोड़ रुपए, पर जो सुपर मनी है, जो उसके ऊपर सर्कुलेट हो रही है, वो इस समय लगभग 280 ट्रिलियन रुपए है, जो बैंकों के जरिए सर्कुलेट हो रही है, जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर लगभग 80 ट्रिलियन रुपया है जो ऐसे सर्कुलेट हो रहा है लोन्स वगैरह के जरिए, बैंकों के जरिए। तो अब सोचिए कि जब ये सेक्टर रियल एस्टेट का एनपीएस के कारण डेड होगा तो कितने बड़े साइज का एनपीए बिल्ड होगा बैंकों की बैलेंस शीट के ऊपर। गॉट इट? तो उसमें एसबीआई भी डूबेगा, पंजाब नेशनल बैंक भी डूबेगा, उसमें एचडीएफसी भी डूबेगा, आईसीआईसी बैंक भी डूबेगा। बेसिकली बेस मनी के ऊपर जितनी भी सुपर मनी की एम्पायर बनाई हुई है ये सारी की सारी ध्वस्त हो जाएगी। अच्छा,
अब जब आप इसको ध्यान से देखें, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहला खमियाजा भुगतेंगे कमर्शियल बैंक, एनपीएस आसमान छुएंगे, क्योंकि ऑलरेडी डिप्रेशन आ रहा है दुनिया की इकोनॉमी में। यूरोप ने तो, जर्मनी ने तो डिक्लेयर ही कर दिया रिसेशन, डिक्लेयर ही कर दिया अमेरिका भी बहुत जल्दी बाय दिस ईयर एंड तक रिसेशन में चला जाएगा। दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा रिसेशन में जा रहा है, और एआई जिस तरीके से जॉब्स को किल करेगा, उससे जो बैंक्स किल होंगे, दुनिया एक बहुत बड़े डिप्रेशन में जाएगी। और जितना एक किसी भी कंपनी को अपने संकट का, अपने अस्तित्व के संकट का डर लगेगा, उतना ही वो एआई की तरफ और जाएंगे, तो ये विशेष सर्कल की तरफ घूमना शुरू हो जाएगा। तो इस पे किसी को तो फायदा हो सकता है ना, जैसे एग्जांपल के जो एआई में इन्वेस्ट कर रहा है उनको तो फायदा होगा, जो जैसे यूएस को भी हो सकता है। ये उन लोगों को फायदा जरूर होगा जो एआई के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट दैट, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। इसमें कोई शक नहीं है, मतलब कंट्री लेवल पे भी फायदा हो सकता है, जैसे यूएस के अगर मैं उस पर आता हूं, मैं उस पर आता हूं इंडिविजुअल्स को तो फायदा होगा जो एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट आप एक बात समझिए कि जो देश होता है वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है अपने सिटीजंस के लिए, तो उसकी पहली जिम्मेवारी होती है अपने सिटीजंस का ख्याल रखना। तो जब बैंक्स का एनपीए बढ़ेगा, ओके, तो बैंक्स को कौन बचाएगा? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक कैसे बचाएगा? सेंट्रल बैंक प्रिंट करेगा मनी प्रिंट करेगा। अगर वो मनी प्रिंट करेगा तो डेब्ट बढ़ेगा, तो उससे करेंसी की वैल्यू डाउन होगी। बट यहाँ पे सर एक मैं क्वेश्चंस मेरा मतलब बीच में आपको पूछ रहा हूँ, मतलब मेरा एक थॉट था काफी टाइम से यूएस को लेके, जैसे यूएस का अभी आई थिंक जीडीपी और ये डेब्ट का रेशो 130% 140% के आसपास है, वही चाइना का सेंट्रल गवर्नमेंट का वही चाइना का 220% के आसपास। तो इट इज पॉसिबल कि यूएस भी उतना लेके जाए फ्यूचर में, 220% तक या चाइना के जितना लेके जाए फ्यूचर में। जैसे अभी आने वाले 18 महीने तक तो वो उन्होंने सस्पेंड ही कर दिया डेब्ट सेलिंग को, लाइक दे विल कीप ऑन बोरोइंग। देखो एक बात समझ लो, दुनिया के हर देश को, चाहे वो चाइना है, चाहे अमेरिका है, चाहे यूरोप है, चाहे इंडिया है, उसको मनी प्रिंटिंग करनी ही पड़ेगी। तो ये रेशो बढ़ता जाएगा, लाइक जीडीपी डेब्ट, ये बढ़ता ही जाएगा, ये बढ़ता ही जाएगा, ये कंट्रोल में नहीं होगा। यहीं पर जो मैं कहने जा रहा हूं कि इससे क्या होगा, इससे 90% कंट्रीज सॉवरन डेट क्राइसिस के शिकार हो जाएंगे। देखिए अमेरिका के डॉलर को तो फिर कोई एक्सेप्ट कर लेगा, श्रीलंका के रुपए को, पाकिस्तान के रुपए को, अफ्रीका के कंट्रीज के की करेंसीज को, इवन रुपी को इंडिया के बाहर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। राइट तो अगर हमने करेंसी प्रिंट की अपने एनपीएस को कवर अप करने के लिए, तो हमारी करेंसी अगेंस्ट डॉलर कहां जाएगी? डाउन ही होगी। जो बात हम नहीं समझ रहे हैं कि एआई प्रोडक्टिविटी किलर है इंडिविजुअल्स के लिए, और ये वो इंडिविजुअल्स हैं जो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के फॉलोअर्स हैं। जो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट से कर्जा लेके अपने अगले 20 साल पूरे कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा सिस्टम लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट चला रहा है। और अगर प्रोडक्टिविटी छीन ली गई तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के ऊपर डिपेंडेंट जितने भी लोग, जितने भी कंपनियां, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे के सारे बर्बाद हो जाएंगे। बट एट द सेम टाइम लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के पास ही ये एआई का पूरा लाइक काइंड ऑफ कंट्रोल आ गया, लाइक उसका ही एआई हो गया, वही उसका ही सिस्टम है, तो वो तो फिर कंट्रोल भी कर सकता है ना सारी इकोनॉमी को, अपने हिसाब से अपने रूल्स पे चला भी सकता है, चला सकता है। बट पहले एक विनाश को हैंडल करना होगा। अच्छा, पहले एक विनाश को आपको अपने यहाँ के सैकड़ों हजारों बैंकों के एनपीएस को कन्वर्ट करना होगा सेंट्रल बैंक अकाउंट के अंदर, सीबीडीसी हर व्यक्ति को इशू करना होगा। अच्छा, आप सोचिए आपका 10,000 10 लाख रुपया
बैंक में पड़ा हुआ है, एक्स वाई जेड बैंक में, बैंक कलैप्स कर गया, सेंट्रल बैंक कहता है कि मैं आपका 10 लाख सेव करूंगा, आपको 10 लाख के बराबर की सीबीडीसी इशू कर देता हूं। आपको तो सीबीडीसी इशू कर दिया, बट जब ऐसे लोगों की गिनती हजारों लाखों करोड़ों में होगी जिनके बैंक अकाउंट हैं, तो एक विनाश से निकलना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और मेरी जो समझ बन रही है, 90% सॉवरन कंट्रीज इस विनाश लीला से उभर ही नहीं पाएंगे।